आखिर क्यों निकला? सीता जी ने लक्ष्मण को, एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके भगवती सीता के साथ अयोध्यापुरी वापस आ गए। अयोध्या को एक दुल्हन की तरह से सजाया गया और उत्सव मनाया जा रहा था, तभी सीता जी को ये ख्याल आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्यापुरी वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करूंगी। यह सोचकर सीता जी ने लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर गई। सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल से एक अघासुर नाम का राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था, लेकिन तभी भगवती सीता ने ये दृश्य देखा और लक्ष्मण को बचाने के लिए माता सीता ने अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे जो अदृश्य रूप से सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को श्री हनुमान जी घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख लाए और सारी घटना कैसे घटी यह बात हनुमान जी ने श्री राम जी से बताई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हंसकर बोले, हे मारुति, सुत सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाए। सो हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी ने गड्ढे के जल को आदि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू जल में डाल दिया। घड़े का जल ज्यों ही सरयू जल में मिला त्यों ही सरयू के जल में भयंकर ज्वाला जलने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।